नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनियम के बारे में। इलेक्ट्रोनियम, जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रोनियम का जो क्वाइन है 2 नवंबर 2017 को लॉन्च हुआ था और अभी तक जो इसका प्राइस है वो 4000 सतोशी हाईएस्ट गया हुआ है। पिछले 2 महीने से इसका जो लोवेस्ट प्राइस था वो 82 सतोशी था और अभी प्राइस में फ्लक्चुएशन चल रहा है। वो क्यों चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों लिक्विड एक्सचेंज है और इस लिक्विड एक्सचेंज के ऊपर इलेक्ट्रोनियम की जो करेंसी है वो लिस्ट होने वाली है। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है और इस लिक्विड जो एक्सचेंज है लीरा, बिटकॉइन, यूएसडी, यूरोस में कंबाइंड होगा ये। उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इनके माध्यम से। जो पहली एक्सचेंज है उस पर डिस्कस करेंगे सिस्टमकॉइन। सिस्टमकॉइन जो लास्ट अक्टूबर की अभी जो डेट है उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि इलेक्ट्रोनियम जो है सिस्टमकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उस पर लिस्ट होगा। जो कि एक्सचेंज है वो टर्की से बिलोंग करती है और इसमें जो इलेक्ट्रोनियम के जो पेयर बनेंगे वो डॉलर, लीरा और बिटकॉइन में बनेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोनियम टू डॉलर बाई कर सकते हो, डॉलर टू इलेक्ट्रोनियम, लीरा टू इलेक्ट्रोनियम, लीरा टू इलेक्ट्रोनियम एंड इलेक्ट्रोनियम टू लीरा। ठीक है, सिस्टम कॉइन एक्सचेंज है। इसकी न्यूज़ ये है, पहले जो एक्सचेंज है सिस्टम कॉइन पे आ रहा है ये, और वो यूएस सिटीजन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में, जो कि डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनियम टू डायरेक्ट डॉलर सबसे बड़ी न्यूज़ है ये। ठीक है, सिस्टम कॉइन एक्सचेंज जो कि टर्की के एक्सचेंज है और उसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रोनियम से BTC, इलेक्ट्रोनियम से USD, इलेक्ट्रोनियम से यूरो और इलेक्ट्रोनियम से टर्किश लीरा TRY इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनियम टू वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है सिस्टम कॉइन का न्यूज़ हो चुका है। सिस्टम के कॉइन के बाद जो सेकंड एक्सचेंज है वो Next.Exchnage है। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आपको ये रिपीट कर चुका हूँ मैं, इसके जो तीन पेयर बन रहे हैं BTC, USD, यूरा और टर्किश लीरा TRY। ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं सिस्टम कॉइन एक्सचेंज के ऊपर इनका ट्रेडिंग। और जो Next.Exchnage है सेकंड एक्सचेंज, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रोनियम का जो कॉइन है वो लिस्ट होने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है Next.Exchnage। ठीक है, और यहाँ से जो पेयर बनेंगे इलेक्ट्रोनियम टू BTC, इलेक्ट्रोनियम टू ईथरियम, इलेक्ट्रोनियम टू डॉलर और इलेक्ट्रोनियम टू यूरो, इस प्रकार के पेयर से आप इलेक्ट्रोनियम की ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि पेयर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोनियम टू USD, इलेक्ट्रोनियम टू यूरो, इलेक्ट्रोनियम टू BTC, इलेक्ट्रोनियम टू ईथरियम और इलेक्ट्रोनियम टू NEXT, इसकी लोकल करेंसी है NEXT एक्सचेंज की। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक्सचेंज है HiTBTC। ठीक है, HiTBTC जो थर्ड एक्सचेंज है इलेक्ट्रोनियम जो लिस्ट हो रहा है, और ये जो रशियन जो रूबल्स है और चाइनीज येन है ये दोनों यहाँ पे अवेलेबल होंगी इस एक्सचेंज के ऊपर नेक्स्ट एक्सचेंज पे। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, रशियन रूबल और चाइनीज येन, तो बहुत अच्छी न्यूज़ है वो। थर्ड एक्सचेंज है HiTBTC। HiTBTC ने 20 जनवरी को शेयर डिक्लेयर किया था स्टार्टिंग में कि वो इस करेंसी को लॉन्च करेगी, लेकिन डिले हो गया। अभी वो सोच रहे हैं इसको लॉन्च करने की HiTBTC। ठीक है, तो HiTBTC में जो इलेक्ट्रोनियम के वॉलेट हैं वो बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं HiTBTC के अंदर, और इसका जो ट्रेडिंग है वो भी बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आशा कर, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोनियम जो है 10 एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है, 3 एक्सचेंज ये आ गई है 13 और एक लिक्विड एक्सचेंज 14। टोटल 14 एक्सचेंज पे इसकी ट्रेडिंग होगी। आने वाले टाइम में इसका कॉइन का रेट बढ़ सकता है, तो आप यहाँ पे सेफ ट्रेड कर सकते हैं फ्री जोन में रह करके। ठीक है, सेफ ट्रेड कर सकते हैं, वो आपकी च्वाइस है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए अच्छी न्यूज़ लेकर के आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।